दीदी कचौरी बनाने नहीं आती, इसलिए पापा को बुलाया और कचौरी बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मम्मी जी धो रहे हैं कपड़े, और आज ठंडा मौसम है इसके कारण हमने सोचा है समोसा बनाने का। अभी बना रहे हैं समोसे मैं और दीदी। तो भी मैं कर रहा हूँ मटर और हरी मिर्च को रेडी, इतने मैदा लगा रही है। दोस्तों अभी मैंने मिर्च और मटर रेडी कर लिया, अब मटर को उबालने के लिए छोड़ेंगे और आलू उबालने छोड़ दिए। आलू उबल कर रेडी हो रहे हैं। मम्मी अब यहाँ पर निकाल रही है घी। एकदम शुद्ध करे बनाया है। अभी दोस्तों मेरे जो पूरी सामग्री थी हमने रेडी कर ली, मैदा भी आ गया और जो आइटम लेने थे वो भी आ गए, मटर, हरी मिर्च, अजवान, धनिया, मसाला, जीरा, मिर्च, हल्दी, नमक। आलू भी उबल कर रेडी हो गया, अब इनको छोल कर इनका कद्दूकस करना है। और मैदे में आप थोड़ा सा मोरन भी दें, घी या तेल किसी का भी दे सकते हैं। अब इन गूंथ लें, हाँ स्वाद अनुसार नमक, दो मतलब फीका नमक, हाँ एक बार अभी पानी को डाल लो, पहले गूंथती जा। हमने मैदे को गूंथ कर रेडी कर लिया है और अब इसे एक सूती कपड़ा लेकर 30 मिनट के लिए ढककर छोड़ेंगे गिल्लो करके, और सूती कपड़ा गिल्ला कर ले बस इस तरह प्लेट कर छोड़ना है इसको। तेल रेडी हो गया, तेल गर्म है, अब इसके अंदर डालेंगे जीरा। तड़का रेडी हो गया और अब इसके अंदर डलेगी मिर्च। अब इसके अंदर डलेगी मटर। हम इसके अंदर अदरक ऐड करेंगे। धनिया और फिर इसके अंदर धनिया भी। अब हम इसको कुछ मिनट पकाएंगे। सारे मैं बनाया अच्छा मिर्च ज्यादा तो मिर्च मैंने ज्यादा लगी, ज्यादा कौन डालनी, सिर्फ कम ही डालनी मिर्च, अभी कौन डालनी, अभी कौन डालने, रेडी हो गया जब डाल दे, मामूली सी हल्दी डाल दे, स्वाद अनुसार डाल दो। अब इतना सारा रेडी होने के बाद हाँ वो मसाला भी इसके अंदर डाल। अब इसके अंदर डालें आलू जो हमने कद्दूकस किए थे, वो आलू डालने हैं। सभी को मिक्स करना है। तो ये हमारे रेडी हो गया मसाला, अभी बनाने हैं समोसे। अब हम इसको एक छोटे बर्तन के अंदर डाल लेंगे। बच्चे जो और फिर मैं बना दिखाऊंगा, बच्चे जो बने वो देखिए। सोनू भैया आ गए मार्केट से, दाल को लिए समोसे।
हैं? आप जाना है भाई जी। और मम्मी यहाँ पर करिए कपड़े फ्रेश, क्योंकि आज शाम को हम जाएंगे शादी में। कपड़े रेडी हो रहे हैं यहाँ पर, अब हम इसे कपड़े से निकाल लेंगे। और हमारे मसाला भी रेडी। समोसा बनाना स्टार्ट हो गया। कैसे बनाएंगे ये आपको दीदी बताएगी कि कैसे कटाई होती है गोलाई। ऐसे फिर ये कूट ज़्यादा और छोटा नहीं होगा, ऐसे ही है। अच्छा थोड़ा थोड़ा पानी लगाने से चिप जाए उधर। समोसे में मसाला डलेगा। और अभी है ऊपर से पैक। फाइनली दोस्तों हमारा एक समोसा बनकर रेडी हो गया। एक बार में दो समोसे बनाए जाते हैं। लगभग कितना मतलब 500 ग्राम में दो 20 समोसा बनेगा 500 ग्राम में तक। सचिन का तो दुनिया मौत से लग जाएगी। सचिन का फेवरेट समोसा मिल ज्यादा बढ़िया लगा। आप कचौरी में आज समोसा मंगाओ। दीदी समोसे बना रही है और मैं साथ में उनको फ्राई कर रहा हूँ। गर्म करने के लिए रख दिया है, कुछ मिनटों के बाद ये गर्म हो जाएगा। इसको न तो ज़्यादा गर्म करना है और न ज़्यादा ठंडा, ऐसा ही रखना है बीच मीडियम साइज का। फिर आपको इसके अंदर समोसे डालने हैं। मैं समोसे लेके आ रहा हूँ। दीदी ने समोसे रेडी कर लिए। अभी तो ज़्यादा नहीं है, आधे हट्टे का हुआ है। इतने रेडी हो गए, डालते हैं। ये गर्म हो गया, इसके अंदर समोसे रख देता हूँ। ऐसा हो तो आप समझ जाना कि तेल गर्म हो गया है। एक बार में मैं तो पांच ही सेक पाऊंगा। फैन दोस्तों समोसा सीख गए, और सीखने का इसका यह पता लगेगा आपको बादामी रंग होने पर। इनका बादामी रंग हो जाए तो आप इन्हें बाहर निकाल सकते हो। देखिए एकदम बादामी रंग है। जल्दी जल्दी ये भी से फ्राई कर लेते हैं। मैंने इसकी कुछ ऐसे शेप बना दी। दीदी कचौरी बनाने नहीं आती इसलिए पापा को बुलाया और कचौरी बना रहे हैं। ये हमारा लास्ट पाव है और हमारे पास मसाला बच गया। तो दीदी ने दिमाग ले आइडिया सोचा है कि हम इसका इनके कोफ्ते बनाएंगे अब हम भाई। तो दोस्तों अभी इसको कोफ्ता बनाने के लिए पहले हमें इसको वापस फ्राई करना होगा और इसमें बेसन डालना होगा। थोड़ा बेसन डालकर इसको वापस कष्टा करना होगा और फिर आगे की जो प्रक्रिया हम आपको दिखाएंगे। जो
इसके अंदर आटा बेसन मिलेगा और फिर ये टाइट होगा थोड़ा और मसाला वही काम आएगा वापिस। बस थोड़ा सा बचने के बाद आप अगर बच जाए तो इसके अंदर बेसन डालकर और टाइट कर कर इसके बना इसके अंदर ज़्यादा बेसन नहीं डलेगा, ये टाइट हो जाए वैसे इतना ही बेसन डलेगा, अभी और डलेगा इसके अंदर टाइट हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डाल लो टाइट हो जाए तब रुक जाना। अब ये थोड़ा थोड़ा टाइट हो गया है, हमारा मसाला रेडी है और पहले तो इस छोटा रोल बनाएंगे और फिर इसको बेसन में भिगो कर, बेसन में भिगोने के बाद इसको तेल में फ्राई करेंगे ऐसे। दोस्तों हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं और ये ऐसे बने हैं हमारे कोफ्ते। हम जा रहे हैं आज शादी में, मैं मम्मी सचिन और सोनू भैया सभी रेडी हो गए, सचिन भी रेडी हो गया, चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम शादी में और अभी हम जा रहे हैं अंदर। सभी खाना खाकर और प्रोग्राम देखकर वीडियो देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।